सफरी हदायात से मुतल पाकिस्तानी मीडिया पर चलने वाली खबर से मुतल सऊदी हुकाम की वजाहत तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकाम ने पाकिस्तानी मीडिया पर सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी के हवाले से चलने वाले खत के हवाले से वजाहत की है पाकिस्तानी मीडिया पर चलने वाले गाका के खत के मुताबिक पाकिस्तान में मुकम सऊदी शहरीों को जल्द से जल्द सऊदी अरब वापस पहुँचने की तलकिन की गई है ताहम सऊदी हुकाम ने रदमल देते हुए कहा है कि इस खत की कोई सरकारी हैसियत नहीं है ये खत जाली है गाका की जानब से ऐसा कोई खत सरकारी सतह पर जारी नहीं किया गया वाज र कि सऊदी हकूत के ऐलान के मुताबिक अगले माह सतारह मई से ममलिकत में बैन अमामी परवाज़ों का आगाज कर दिया जाएगा ताहम इसके बावजूद पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक में मौजूद मुसाफिरों की ममलिकत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है पाकिस्तान भारत इंडोनेशिया श्रीलंका और फिल्पाइन समेत जिन जिन ममालिक पाबंदी आयद की गई है इन ममालिक मौजूद किसी शख्स को सऊदी अरब दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी बताया गया है कि सऊदी हुकूमत ने मस्कूर ममालिक में कोरोना के दोबारा और तश्वीशनाक फैलाव की वजह से सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं इस हवाले से सऊदी एयरलाइन के अलमे के मुताबिक सतारह मई से बैन अवी परवाज़ों की बहाली के बावजूद बीस ममालिक के शहरी को ममलकत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी